सुनंदा पुष्कर की मौत केस में नया मोड़ आ गया है। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के दबाव वाले बयान के बाद अब दिल्ली पुलिस शशि थरूर और डॉक्टर गुप्ता से पूछताछ कर सकती है। इसी बीच एम्स के डॉक्टर गुप्ता के दावों का खंडन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। शाह पर खतरे के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की सुरक्षा को भी बढ़ाकर जेट श्रेणी में रख दिया गया है। बीजेपी ने सरकार और पार्टी के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक और कदम उठाया है। मोदी ने निर्णय लिया कि उनके मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए महीने में एक बार पार्टी मुख्यालय जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दहेज प्रथा विरोधी कानून का मिसयूज हो रहा है, जिसमें कोर्ट ने पुलिस को यह हिदायत भी दी है कि दहेज उत्पीड़न के केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के रेप पर दिए उस बयान की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आलोचना हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भारतीय नेताओं के ऐसे बयानों को महिलाओं के खिलाफ रेप और अन्य अपराध बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। व्यापम घोटाले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ लगाए गए जो आरोप हैं वो सही साबित हो जाते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बैनर्जी ने रेप करवाने की धमकी देने वाले अपने सांसद तापस पॉल को माफ कर दिया है। उनके खिलाफ पार्टी अब कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तापस पॉल ने अपने बयान पर विवाद के बाद एक भावुक चिट्ठी लिखकर बिना शर्त माफी मांगी थी। उधर सरकार ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल राज्य में घरेलू रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगा दी है। स्थानीय शुल्कों के चलते इन राज्यों में रसोई गैस महंगी हो गई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ बैठक करके ये फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से सहूलियतें मुहैया कराने के बाद करीब 600 भारतीय हिंसा प्रभावित इराक से बाहर निकल चुके हैं। इराक में हिंसा फैला रहे आतंकी संगठन आईएसआईएस के कमांडर अल बगदादी ने भारत सहित कई देशों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है।